यकीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एडवोकेट मोहम्मद खान पठान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोबारा रियासती नायब सदर नामजद किए गए हैं, जिसकी वजह से पार्टी कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई है। आला कायदीन की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। पार्टी की नई हिकमत अमली के ताल्लुक से यकीन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। नांदेड़ जिले के सीनियर सियासी कायद एडवोकेट मोहम्मद खान पठान को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से दोबारा पार्टी का रियासती नायब सदर नामजद किया गया। हाल ही में पार्टी की जानिब से उन्हें यह ओहदा दिया गया है। उनकी इस नामजदगी पर पार्टी कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए उनकी रिहायशगाह पर पहुँच रहे हैं। पार्टी की जानिब से इस बड़ी जिम्मेदारी पर उन्होंने यकीन न्यूज़ से बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के रियासती नायब सदर अलहाज एडवोकेट मोहम्मद खान पठान साहब है, जिन्हें हाल ही में दोबारा से इस ओहदे पर नामजद किया गया है। आइए जानते हैं उनके पार्टी के ताल्लुक से उनका क्या कहना है। मोहम्मद भाई, पहले ये बताएं कि आपको ऊपर सबसे बड़ा ये कांटों का ताज है, क्योंकि नांदेड़ में आप अशोक चव्हाण के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसी सूरत में, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस का बड़ा भाई की हैसियत से कांग्रेस को जाना जाता है, लेकिन देखने में ये आया है कि बड़ा सग्गा भाई होने के बावजूद वो सौतेलों छोटे भाई के साथ सौतेला सुलूक करता है, ऐसी सूरत में आप पार्टी के लिए कैसे काम अंजाम देंगे? सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो ताकत है, आप नांदेड़ से उसकी ताकत का अंदाज़ा मत लगाइए, उसका अंदाज़ा पूरे महाराष्ट्र को लीजिए, पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर लीजिए। हमारी नेशनल पार्टी है। अब सवाल ये है कि आदरणीय अशोक राव जी चौहान साहब, कि आपकी ये गलत फहमी है कि उन्होंने बोले बड़े भाई है ज़रूर पार्टी के हिसाब से, लेकिन उनका कोऑपरेशन है और हमारा विधानसभा के लिए भी उनका कोऑपरेशन है और मित्र हाईकमान तय कर रहा है, और बहुत सारी जगह पे हमने जो MLC के इलेक्शंस वगैरह किए उसके अंदर साथ मिलकर एक दूसरे के युति और इसके साथ पार्टी में के साथ में इलेक्शंस अंजाम दिए, चाहे वो परसों MLC का इलेक्शन हो या इसके पहले भी शिक्षण मतदार संघ का इलेक्शन हो, काफ़ी माननीय अशोक राव चौहान साहब ने कॉपरेट किए हैं और उनका कॉपरेशन हमारी पार्टी को है, और जिसकी बिना पर हम आने वाले दिनों में भी अच्छा परिवर्तन लेकर आएंगे, क्यों तो हमारे पास में कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर जो हमारे आला नेता है आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, आदरणीय जयंत राव पाटिल साहब और आदरणीय सुप्रिया ताई और हमारे सीनियर नेता फाउंडर नेता आदरणीय कमल किशोर कदम साहब और बापू साहब गोटेकर साहब और सुनील कदम साहब, सभी लोग बोलने का मतलब ग्रास रूट से इनका काम है और इनके काम की बारे में कुछ ये शोहरत के मोहताज नहीं है, लिहाजा हमारा जो संगठन है काफ़ी मजबूत है और आने वाले दिनों में आपको इसका हम रिज़ल्ट नुमाया रिज़ल्ट इंशाल्लाह महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने में मिलेगा। आपने बोले कि हमेशा कांग्रेस कॉपरेट करती है, परभनी हल्के असेंबली में जो राष्ट्रवादी का गढ़ था वहाँ पर टिकट काट के कांग्रेस ने हासिल की, जहाँ अपना फ़ायदा देखती वहाँ पर कांग्रेस आपको नज़रअंदाज करती। इसकी एक मिसाल ये भी है कि नांदेड़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी उन्होंने आपके साथ समझौता नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? नहीं, समझौता नहीं किया ऐसा नहीं है कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो भी ताकत है वो ताकत के बिना पर हम ये चाह रहे थे कि कुछ सीट मिल जाए, और हमारे को बोलने का मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये दोनों की ताकत मिलके एक अच्छा परिवर्तन लाए, लेकिन उसके अंदर जो भी टिकट का हमारे नेता लोग जो हमारे फाउंडर नेता है सीनियर नेता है आदरणीय कमल किशोर कदम साहब और रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुनील कदम साहब और मैं खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, काफ़ी हमने कोशिश की लेकिन टिकटों के बलबूते पर, जैसा आप बड़ा भाई होने के नाते वो बता रहे, तो बड़े भाई का दिल बड़ा नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा सा दिल उनका छोटा हो गया था और उन्होंने ऐसा समझा कि इनको तो हम
कुछ भी देकर समझा दे सकते, तो वो हमने और हमारे नेताओं ने, हमारे हाईकमान ने उसको मुनासिब नहीं समझा कि भाई ये इनों जो हमारा पैमाना तय कर रहे उस पैमाने के से कुछ और ज़्यादा हमारी हैसियत है और हमारा रुतबा है। इतना सब होने के बाद भी अभी भी कांग्रेस को आप बड़ा भाई समझते हैं और आगे भी क्या समझौते के कोई इम्कान है? नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई का राजनीति में मामला नहीं रहता, वो हमारे मित्र पक्ष है और उस नाते से बोले तो हमारा गठबंधन उनके साथ ही करने का, हमारे आदरणीय जो हाईकमान के जितने भी नेता है ये वो तय करते हैं ये जो भी किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बोले तो हम कांग्रेस को प्रेफरेंस देते हैं। ये थे एडवोकेट मोहम्मद खान पठान जो यकीन न्यूज़ से बात कर रहे थे।